मुलाहिजा फरमाइए आगा अली की राइटिंग। ताली होए। हर खाने में अलग राइटिंग। अच्छा, मतलब ये पर्सनालिटी की फ्लॉ है। हाँ। या मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम। हाँ, है शायद, जो नफ्सियात के मसाइल में से एक है। अच्छा जी, खूबियां हिना आपके पास आ रही हूँ, इधर आ जाए जरा, हम लोग अपने कैमरा को लेके, तो हम ये देखिए ना, अब हिना ने भी, आप उधर चले जाए। अरे मैं ये देखने तो आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे हो गई है उधर, मैं क्या मतलब, अच्छा अच्छा चलो ओके, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ इधर। हाँ अच्छा, सबसे पहले अच्छा हिना अल्ताफ, अच्छा खूबियां, ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, हमेशा आपको हंसा, उधर जाइए, आपने खूबी लिखी है, वेरी अंडरस्टैंडिंग, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, आई डिडंट नो कि इतनी डिटेल में जाना है। अच्छा, तो मैंने कहा मुझे एलैबोरेट तो करना ही पड़ेगा, तो हिना इज अ सुपर अंडरस्टैंडिंग पर्सन। मैं थैंक्स, यू नो, दो दिन तक शूट करता रहा, वो कुछ नहीं कहती है, शुक्र है मन साम, मेरा मौका मिला। अच्छा, अब उनकी एक बुराई बता दे, खामी बता। बुराई ये मैंने इसलिए लिखा है मूडी, क्योंकि हिना का ना मूड दो बार बहुत फ्लक्चुएट करता है, एक जब बिल्कुल सोने वाले होते हैं और एक जब सुबह उठते हैं। अच्छा, सोने वाले तो, की मैंने देख लिया रीजन क्यों इरिटेशन का होता है। हाँ, अच्छा, हाँ। तो वो मतलब हिना सोने लगी है तो मतलब पूरी दुनिया सो जाए, चाहे वो कोई भी टाइम है, तो बात तो ठीक है, बंद कर दो बत्तियां, बंद कर दो सब, उन्होंने रोजी रोटी भी कमानी है, तो हम क्या मतलब, मैं कौन हूँ, मैं नहीं आपको बताना चाहती आप कौन है, बस मूडी मूडी चुप कर जाओ। अच्छा, तारीफ और नॉट सो तारीफ, आप इधर आ जाओ। अच्छा, आगा की जो तारीफ है वो ये कि ही इज ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, आगा की ये बात बहुत अच्छी है। साइड पे हां हां क्यों कर रहे हो, सपोर्ट दे रहा हूँ मैं यार, नहीं चाहिए तुम्हारी, मुझे नहीं, मैं कहता शो को उठा के रखना है, तुम कुर्सी पे खड़े हो जाओ, चलो ओके, और मैं उठ जाऊंगा उससे। खामी ये कि आगा को भूलने की बहुत आदत है। हाँ, ये सही बात कह दी, मैं चीजें भूल जाता हूँ जगहों पे रखते, जैसे कि आगा ने अपना पासपोर्ट भूल गए लाहौर में और आगा के ही हैंड कैरी में था, आगा की वालदा भी परेशान कराची में, मैं परेशान, सो आगा अपनी डिग्रीज भूल जाते हैं, वो मैंने अपनी डिग्रीज कहाँ रखी थी, घर शिफ्ट हो रहा है, वो मुझे मिल नहीं रही है। अच्छा, बातें भूलता है जैसे कि मतलब अम्मी ने, नहीं, कैन आई जस्ट आस्क, नहीं मैं पूछ लूं, अच्छा पूछ, नहीं नहीं नहीं, बीच में अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह, ओके आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मेरे हस्बैंड जो है फैमिली में बैठे होंगे, कोई बड़ी जरूरी बात होगी कि फला नेफ्यू या नीस की मंगनी होने वाली है 4 दिन बाद, सो बताना भूल जाएगा। हाँ, और मंगली वाले दिन मुझे मैसेज आएगा कि किधर हो तुम, मतलब फैमिली में से किसी का, आई विल बी लाइक कहाँ, मैं तो काम पे हूँ, आज मंगनी है फलां की, आई एम लाइक नहीं, तो मुझे मतलब मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है। आगा भूलते हैं चीजें, लेकिन असल में आगा को खुद याद नहीं होता कि ये मैंने बोला था, तो जाहिर है भूलूंगा तो खुद याद कैसे होगा, भूलने की आदत है आगा में, या मैं अकेला फील कर रहा हूं, मैं ऊपर में खड़े हो जाओ। अच्छा यार, अच्छा चलें, खूबियां खूबियां, शी इज वेरी फनी, I'm very funny. She's very naturally funny. मैं जब भी ये बोलता हूँ ना, कहती है funny तो आप हो, पर मैं अकेला funny नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना जबरदस्त ह्यूमर लाहौरियों का है वो किसी का नहीं है। हाँ, that's true. जानी अब आप भी लाहौरी हो गए हो। Lahoris have a great sense of humor. हाँ, पर Hina is naturally very funny. अच्छा, और no singing skills. I thought कि गाना नहीं आता। कि ये एक वजह है, जिसकी वजह से ना Hina मुझे भी गाने नहीं देती घर में, तो या आप भी कोई इतने सुरीले नहीं है, लेकिन खैर। ओके, एक और अच्छी क्वालिटी आगा की, ही इज वेरी क्रिएटिव, आई लाइक क्रिएटिव, तो जानी क्रिएटिव तो आप भी बहुत ज्यादा हो। नहीं, आई थिंक ही इज अ लिटिल मोर क्रिएटिव, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि कैरी लिटिल मोर, तो आगे से जवाब, बेवकूफ इंसान बनता ये है कि नहीं मैं क्यों नहीं, वेरी क्रिएटिव, क्यों वेरी क्रिएटिव, आई एम अ लिटिल चाहे स्क्रिप्ट की बात आ जाए, म्यूजिक की बात आ जाए, हम जब शूट पे गए तो ही इज क्रिएट, वांट्स चाय एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन या ऑल द टाइम, ऑल द टाइम तो नहीं, एवरी नाउ एंड देन, मतलब अब एक घंटा गुजर गया, ये खामी कैसे कि कभी-कभी वो चाय मांग, क्योंकि हिना को बनानी पड़ती है, और हिना जैसी चाय कोई नहीं बनाता, मैं भी नहीं बनाता, खुद क्यों नहीं बनाते हो तुम चाय, बहुत बनाता हूँ मैं, पूछो, अब ये जो रेसिपी है आगा की ही सिखाई हुई है, तो बना भी खुद दो, नहीं बहुत दफा मैं भी बनाता हूँ, पर बहुत दफा मैं मांगता, अच्छा लेकिन आगा उसके अलावा ही इज अ ग्रेट, हो जाएगा इतनी चाय, एनीवे ठीक है, तो क्रिएटिव है लेकिन लेकिन चाय ज्यादा मांगता है। शकूर, आखिरी दो बातें, well, she hates makeup. That's something that I really adore. क्योंकि मुझे makeup से थोड़ा problem है. You hate makeup too? और yeah, so
दिल जाता है काम के बाद मुंह पर टाकी फेर। मेरे दोस्त भी वही लोग बनते हैं जिनको मेकअप ज्यादा पसंद नहीं है। जी बिल्कुल। और शी डजंट लेट मी सिंग एट होम, मैं जब भी गुनगुना रहा होता हूँ तो मुझे एक आवाज आती है कि आगा बस कर देना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे अंदर की सिंगर की थोड़ी तोहीन सी फील होती है मुझे तो। बट या इतना ही ढूंढ पाया मैं खामियां। सो आपको वैसे खामी लिखनी चाहिए थी कि गाना गाने का बहुत शौक है। हाँ, शौकीन है। अच्छा, नॉट जस्ट नॉट अ ग्रेट हस्बैंड, ही इज अ ग्रेट कोलीग। नॉट अ ग्रेट हस्बैंड, तौबा यार, ही इज अ ग्रेट कोलीग। एक क्लिप चल जाएगा कल। बिल्कुल, ये जस्ट मिटाया गया है, बहुत ही गलत हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, अभी ये मैं अपनी तरफ से स्केलेटन बना रही हूँ। कौन सा स्केलेटन? ये देखो ना स्केलेटन, ये देखो ना, ये ओ हो हो, ये लो यार, ये अपनी ड्राइंग स्किल्स दिखाना जरूरी। मेरी ड्राइंग तुम्हारे गाने की तरह है, बिल्कुल। हॉट डॉग मुंह में फंसा हुआ है स्केलेटन के, लेकिन खाना खाते खाते मर गया ना। हाँ, मर। अच्छा, नॉट जस्ट अ ग्रेट हस्बैंड, ग्रेट ग्रेट कॉलीग। या कुछ बुक पढ़ लूँ, कुछ जिंदगी के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लिख लूँ, कुछ हो ना, कुछ मीनिंगफुल हो। लेकिन आगा को तब तक टीवी देखना है जब तक आगा की आंख बंद नहीं हो जाती। ओके, बट जब आंख बंद होती है तो टीवी कौन बंद करता है? मी। अच्छा, बहुत दफा आप भी करते हैं। लेकिन लड़ाई, लेकिन सोते हुए यू नो दो एक्शन मूवीज, बंदूक चल रही है तो लड़ाई आ रही है। आई वेयर हेडफोन्स, कान में टूटियां। एक्सक्यूज मी, इस बात पे मेरी फैसले से भी लड़ाई थी। कान में टूटियां लगी, शोर हो रहा है, नहीं होता, नहीं होता उसके तो कान में जा रहा होता है। बिल्कुल नहीं होता शोर। पॉइंट ये है कि हिना कुछ, हिना कहती है कि जब नींद आ गई है ना तो इतनी सी भी रोशनी किसी कोने से आ रही होगी ना तो सही क्या बात। आप आंखें बंद करोगे, मुझे मैं चेक करूंगा, माइग्रेन हो जाती है, मैं यूं चेक करूंगा, कोई रोशनी नहीं आ रही। पता नहीं कैसे फील हो जाता है ना, कि वो वाली लाइट भी बंद कर दें, ये वाली लाइट भी बंद कर दें। तो एक इंसान ने नहीं सोना है भाई, 6 दिन के बाद लेट कॉल टाइम है। तो मैं लाइट एलर्जी, लाइट एलर्जी। तो ये एक प्रॉब्लम है। वैसे मैं एक बात बताऊं जी, खामियां खत्म हो गई थी, आपने खुद ही ऐड की है। कौन सी वाली? हाँ, जाओ बैठ जाओ चुप करके। नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ। मैं ऐसा हुआ है? जा बैठ जा चल। ऐसा है क्या? है मैंने जो लिखा है सच लिखा है, सच के सिवा कुछ नहीं लिखा। मैंने भी नईम की कसम लिखा है। नईम की कसम, कुछ सवाल बनते हैं। पराठा बनाना आता आपको? आगा ने अभी इनफैक्ट आलू भरा पराठा भी बनाना बनाया था, खिलाया था। आलू भरा नहीं, आलू भरा हुआ पराठा, उसमें एक्चुअली आलू बहुत भर दिए थे मैंने। हमारे पास इंतजाम है किचन में कि हम पराठा बनवाएं। मेरे ख्याल से आगा से हम पराठा बनवाएंगे। नहीं, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। नहीं अभी कहा है कि बना लेता हूं, अभी नहीं बना। चाय का कप तो बना दो। हाँ वो बना लूंगा मैं। हाँ, चाय पिला तो रहे नहीं, खुद ही डायरेक्टर खुद चाय पी रहे और हमें नहीं पिला रहे। वो एक्चुअली आपके लिए आई थी तो उसने खुद पी। वेरी नाइस, बेशर्मे। थैंक यू। अच्छा, दोनों का मैं पढ़ दूं? हिना को आगा की कौन सी आदत पसंद है? आदत, आदत आगा की, आगा की आदत ये है कि ही डीप डाउन ही इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। सो अंदर कहीं कुरेद कुरेद के छह आठ प्याज के, तो मैं वो चीजें नहीं बताना चाहती, लेकिन जब मैं आगा की साइड से लोगों की तरफ जेस्चर्स देखती हूँ तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि यार अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। हिना की कौन सी आदत? मतलब म्यूजिक नहीं सुनने देती हैं आपको, टॉर्चर बड़ा करती हैं, बत्तियां आपसे बंद करवाती हैं, चाय का कप कभी बना देती हैं, कभी आपको बनाना पड़ जाता है, ये तो सारे आपके दुख रहे हैं। अच्छी आदत कौन सी है उनकी? एक डिफरेंट सी आदत मैं बताता हूँ। हिना इज 90% अगेंस्ट के जब भी सब हो गया, वर्कआउट हो गया, शूटिंग हो गई, रात को खाना खाते हुए जब मैं बोलूँगा कि टीवी लगाने लगा हूँ मैं, तो हिना कहेगी बिल्कुल नहीं लगाएं, क्यों नहीं चाहिए टीवी इस वक्त, क्यों लगाना है, क्या करना है। पर जैसे मैं कोई सीरीज प्ले करूँगा तो 3 मिनट नहीं गुजरेंगे और मुझसे
छह गुना ज्यादा इन्वॉल्व हिना हो जाती है। ये वो वाला सीन ना, मैंने और 2 मिनट के बाद, अरे ये कैरेक्टर तो मर गया था, तो मुझे मुझे पता चल जाता है कि ये सही है, तो फिर हम पूरी सीरीज देख लेते हैं। तो वो सिर्फ शुरू में ही एक थोड़ा, आपका टेस्ट क्या है चीजें, मतलब यू नो हर बंदे को, जिस तरह आई लव रोमांटिक कॉमेडीज, आपको किस किस्म की चीज पसंद है देखने में? आप तो उन्होंने बता ही दिया, दंगे फसाद दोनों एक साथ बोलें तो इट्स साईफाई। या वी लव साईफाई, या वी लव साईफाई, वी लव एक्शन मूवीज आल्सो, आई लव वाचिंग एक्शन ऑन स्क्रीन। या गलत से लोग हैं सीरियसली। या अच्छा लूडो स्टार कौन खेलता है? माशाल्लाह हमारा तो पूरा खानदान खेल रहे हैं, बल्कि हिना और मेरी माजी तो ब्लैक बेल्ट हैं लूडो में। अच्छा हाँ, आप और माजी जो या या वी लव प्लेइंग लूडो स्टार, आई थिंक कि हम बड़ा एंजॉय करते हैं, हम टीम अप्स अपने हम अपने टीम अप्स बड़े अच्छे से लगाते हैं, और कभी कभार पैसे कम हो जाते हैं, कभी कभार बड़ी आमदनी हो जाती है लूडो से। हम लाहौर आए होते हैं तो रोज रात को माजी के कमरे में अगर मैं थोड़ा लेट एंटर करूं और हिना वहां हो तो एक ही आवाज हो रही थी, गिड़ 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 टिंग गिड़ गिड़ टिंग, तो यही आवाज। इट्स अ गुड एक्टिविटी, दे प्ले अ लॉट ऑफ लूडो, अ लॉट ऑफ इट। मैं हंस तो रही हूँ लेकिन जितनी ऑब्सेस्ड मैं कैंडी क्रश के साथ हूँ कम ही कोई होगा। अरे और लोग खेल खूल के फारिग भी हो गए ना, बंदे बोर हो गए, खत्म हो गए, मैं 4000 पे पहुंची हूँ। माय मॉम यूज्ड टू प्ले कैंडी क्रश सो मच। अच्छा मैंने बड़ी कोशिश की कैंडी क्रश एंजॉय करने, मैंने 3 दफा स्टार्ट की फिर मैं नहीं खेल पाई, फिर एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं प्रेग्नेंट थी और मैं और कुछ करने के लिए था, कैंडी क्रश खेलती चली गई और अब 4000 समथिंग पे पहुंच गई हूँ। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दुहाइयां दुहाइयां दिल में दुहाइयां।